आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा क्वेश्चन है, अ वायर मेड ऑफ मटेरियल ए हैज अ रेजिस्टेंस आर वन, अनदर वायर मेड ऑफ मटेरियल बी हैविंग पी टाइम्स द लेंथ एंड क्यू टाइम्स द रेडियस ऑफ फर्स्ट वायर हैज रेजिस्टेंस आर टू। हमारे पास दो वायर्स हैं, ठीक है। एक है मटेरियल ए की वायर, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ मटेरियल ए। यहाँ पे मैं मटेरियल ए की वायर के बारे में लिखूंगा, यहाँ मैं लिखूंगा मटेरियल बी की वायर के बारे में, ठीक है। अब इन्होंने दे रखा है अ वायर मेड ऑफ मटेरियल ए हैज रेजिस्टेंस आर वन, तो इसका जो रेजिस्टेंस है ना वो है आर वन। और अनदर वायर मेड ऑफ द मटेरियल बी इज पी टाइम्स दी लेंथ। अच्छा, इसकी लेंथ अगर एल होगी तो जो बी वाली है इसकी लेंथ पी टाइम्स हो गई, इसका रेजिस्टेंस आर टू है, इसकी जो लेंथ हो गई वो हो गई पी टाइम्स एल, ठीक है। एंड क्यू टाइम्स द रेडियस ऑफ फर्स्ट वायर, तो पहले वाली का अगर मैं रेडियस को फिलहाल मैं एक्स से डिनोट कर रहा हूँ। एक्स से मैं क्यों डिनोट कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें कैपिटल आर ऑलरेडी यूज़ कर रखा है हमने, ठीक है, और स्मॉल आर यहाँ पे लिखा है ताकि कन्फ्यूजन ना हो, इसीलिए मैं कैपिटल आर को रेडियस के लिए यूज़ कर रहा हूँ, बस और कोई दिक्कत नहीं। तो अगर इसका रेडियस एक्स है तो मटेरियल बी का रेडियस कितना होगा, क्यू टाइम्स द रेडियस ऑफ फर्स्ट वायर, तो इसका ये हो गया क्यू एक्स, ठीक है। और रेजिस्टिविटी, इफ रेजिस्टिविटी ऑफ बी इज आर टाइम्स जेट ऑफ ए, तो अगर ए की रेजिस्टिविटी रो है तो बी की रेजिस्टिविटी आर इंटू रो हो जाएगी, क्लियर। तो यहाँ से मैं इसके आर वन की वैल्यू निकाल सकता हूँ, रो एल बाय ए, ए हो जाएगा पाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब मैं इधर से इसके आर टू की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो आर टू क्या होगा, इसका रो, ठीक है। तो इसका रो क्या है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्यू टाइम्स दिए, तो जो इसका रो है, सॉरी रेजिस्टिविटी ना, ये रही रेजिस्टिविटी, तो ये रेजिस्टिविटी इसकी होगी आर इंटू रो इंटू एल, एल की जगह मुझे लिखना पड़ेगा पी एल बाय ए, तो एरिया की जगह लिखना पड़ेगा पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर, ओके। क्वेश्चन में हमें आर वन बाय आर टू कैलकुलेट करना है, तो बेसिकली मुझे अब ये जो दो इक्वेशन मेरे सामने लिखी हैं इन दोनों को डिवाइड कर देना है और हमारा आंसर आ जाएगा। आर टू बाय आर वन इज इक्वल टू, यहाँ से आ गया आर इन टू पी अपॉन में, यहाँ से मैं क्यू स्क्वायर लिख लेता हूँ, और यहाँ क्या बचा, देखो आर मैंने साइड लिख लिया, पी साइड लिख लिया, तो अंदर बचा रो, ऊपर बचा एल और नीचे बचा पाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। अपॉन आर वन लिखना है, आर वन है रो एल बाय पाई एक्स स्क्वायर, ये पूरी की पूरी वैल्यूज कट हो गई, तो यहाँ से मुझे आर टू बाय आर वन की जो वैल्यू है वो मिल जाती है आर पी बाय क्यू स्क्वायर, और ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया होगा, ओके। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, आईआईटी, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।